नमस्कार, मैं हूं सैयद फाजिल और आप देख रहे हैं सोलर एक्सप्रेस। इतिहास के पन्ने अगर हम खोलें तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध वो रणभूमि थी जहां से द ग्रेट अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन हुआ, जहां से उनके एटीट्यूड बदले, उनका विजन बदला और उसके बाद द ग्रेट एम्परर बने। आज हम कलिंग यूनिवर्सिटी में हैं, ये एक ज्ञान की भूमि है। और मेरे साथ हैं इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर संदीप गांधी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद फाजिल साहब। सर, जैसे मैंने बताया कि सम्राट अशोक का हृदय में जो परिवर्तन आया जो जी कलिंग युद्ध के बाद, जी कलिंगा के इस कैंपस में जब स्टूडेंट्स आते हैं जी, तो किस तरह का बदलाव उनके एटीट्यूड में, उनके विजन में, उनके कॉन्फिडेंस में और उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में बच्चों को यहाँ आप मिलती है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा में शिक्षक को एक कुम्हार के बराबर माना गया है जी, कि जो एक विद्यार्थी होता है वो कच्ची मिट्टी की भांति होता है और शिक्षक का काम है कि उसे प्यार से थपकी दे करके उसके ज्ञान को, उसके व्यक्तित्व को एक रूप दे, तो वो ही साकार रूप देने का काम हम लोग इस विश्वविद्यालय में भी करते हैं जी। और हम लोग अपने आप को एक कुम्हार की तरह ही पाते हैं। अच्छा जी, वेरी नाइस। तो ये है आपका विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट जी। अच्छा, अब चूंकि पूरी दुनिया में एक एपिडेमिक फैली हुई है, महामारी है कोरोना की, तो मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी ने इसको काउंटर किया और किस तरह से आपने हैम्पर नहीं होने दिया अपने एकेडमिक्स को, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए फाजिल साहब, ये एक महामारी जो है ये एक टेम्पररी रुकावट है, एक छोटी सी ऑब्स्टेकल है। जैसे जीवन में बहुत सारे सुख दुख के क्षण आते हैं, ये क्षण भी बीत जाएगा। हम लोग अपनी तरफ से विद्यार्थियों को हर सुविधा देने के लिए वचनबद्ध हैं जी। हम लोग उनको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अच्छा। हमारे विश्वविद्यालय ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। हमारे प्रोफेसर्स के घर घर जा करके हम उनके वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं। उनके घर पे हमने ब्लैक बोर्ड लगवा दिए हैं। अच्छा। उनके घर पे हम लोग इंटरनेट का पैक मुहैया करा रहे हैं, लैपटॉप उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि ऑनलाइन क्लासेस एकदम व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलती रहें और विद्यार्थियों को भी जहाँ टेक्निकल इश्यूज आते हैं हमारा हेल्प डेस्क है जो दिन रात उनको उसके बारे में गाइड करता है। हम लोग इस क्षेत्र में मध्य भारत में ऑनलाइन परीक्षा लेने वाले भी सर्वप्रथम हम ही लोगों ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया और इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी टाई अप किया। उनकी टेक्नोलॉजी के बेस पे हम लोग ने ऑनलाइन परीक्षाएं भी बड़े सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज करवाई। वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जी, तो क्या इसमें बच्चे अटेंडेंस दे रहे हैं, वो खास बच्चे जो रिमोट में हैं जहाँ तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाती है, उनके साथ कैसे आप हेल्प कर रहे हैं? आपको जान के हैरानी होगी जी जी, ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन से भी ज़्यादा अटेंडेंस आ रही है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ऑनलाइन परीक्षाओं में भी ऑफलाइन से ज़्यादा उपस्थिति दर्ज हुई है जी, क्योंकि बच्चा कमला पसंद अनोखा स्वाद। क्रिस मॉरिस के हाथ में गेंद, दूसरा ओवर, सामने बेन स्टोक्स, आवाज का नहीं है। तो इन वजहों से ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन परीक्षा बहुत ही अच्छी अटेंडेंस के साथ सुचारू रूप से चल तो रही है। बड़ी बड़ी कामयाबी है आपकी जी, और ये जो आपने बताया ये बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट न्यूज है, क्योंकि बच्चे ऑफलाइन में ज्यादा बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन में। और इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, ये जो बच्चे जिनका की फियर नहीं है, फोबिया नहीं है, तो डेफिनेटली एक अच्छी तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, घर में पढ़ाई कर, घर में पढ़ाई लेकिन करें। लेकिन एक बात है कि जो आपका फिजिकल क्लास जब लगती है जी, तो मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब की वो ग्रैस्पिंग बच्चों की और वो अटेंशन ग्रैस्पिंग रिटेंशन, उस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि वो सेम तरह की ग्रैस्पिंग भी क्वालिटी आपको मिल रही है? सर, इसमें मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँगा कि हम ऑनलाइन क्लास किस तरह से करा रहे हैं जी, जी। हम केवल लेक्चर नहीं डिलीवर कर अच्छा, रहे हैं अच्छा। हम लोग बच्चे को ऑनलाइन एक लॉगिन के माध्यम से जी, जी। पूरे पाठ्यक्रम के नोट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अच्छा, क्विज, अच्छा, असाइनमेंट, जी, जी। फीडबैक, केस स्टडीज और बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस और जो ओपन सोर्स में ज्ञान की बातें अवेलेबल हैं, जैसे हमारा विश्वविद्यालय बहुत सारे डिजिटल रिसोर्सेज का सब्सक्राइबर है,
NPTEL करके एक भारत सरकार की IIT खड़गपुर की सेवा है, जिसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, डिप्लोमा बीटेक एमटेक के बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे वीडियोस लैब के प्रैक्टिकल सेशंस के बनाए हैं, उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। फार्मेसी विभाग के विद्यार्थियों के लिए एक डाइसेक्शन का सॉफ्टवेयर हमने स्पेशल खरीदा है। जैसे आप जब छोटे रहे होंगे तो आपने देखा होगा आपके साथ ही मेंढक काट करके मेंढक के जीवन का अध्ययन करते हैं। अब काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस वन्य प्राणी के जीवन को खतरा नहीं है। ऐसा डिजिटल सॉफ्टवेयर हमने खरीदा है जिसके माध्यम से बच्चा वर्चुअल डाइसेक्शन करके देख रहा है। तो जब इस प्रकार की इंटरेस्टिंग चीजें बच्चे को अपने लॉगिन के थ्रू मिल रही हैं, उसका इंटरेस्ट बना रहता है, पढ़ाई के प्रति उसका आकर्षण बना रहता है और वो अपने घर के सेफ माहौल में पढ़ पाता है। तो टेक्नोलॉजी से एनहांस किया इंटरेस्ट, और यही बता रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा फोकस होकर कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल इसमें मिला बहुत, है। बहुत मेजर रोल है। और हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से केस स्टडीज भी सॉल्व कराना शुरू किया है। गूगल फॉर्म्स पे हम क्विज दे रहे हैं, अच्छा, असाइनमेंट दे रहे हैं, जो बच्चा वर्चुअली वहीं से अटेम्प्ट करके अपलोड करके हमें वापस कर रहा है। रियल टाइम चेकिंग हो रही है। पहले क्या होता था, अगर क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, वो लोग अपने आंसर शीट जमा करते थे, चेक होकर के मिलने में एक हफ्ता लग जाता था। अब सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से तुरंत ऑनलाइन परीक्षा खत्म हुई, उधर रिजल्ट निकल आया। अच्छा। क्लास में किसके नंबर ज़्यादा आए हैं, कितने आए हैं, पूरी क्लास का एवरेज क्या रहा है, ये सारा डाटा फिंगर टिप्स पे रहता है। अच्छा। तो काफ़ी एक्सप्लोरिंग है उनका, बहुत इनोवेटिव ब्रेन है, और ये सब कुछ इतने विजनरी हैं कि इन्होंने बच्चों की पढ़ाई को हैम्पर नहीं दिया, कारणों को हरा दिया आपने। आप भी करुणिया वॉरियर हैं आप सब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा सर कि नई शिक्षा नीति आ गई है जी, तो जो आपका एक गेटवे था एमफिल के लिए जी, डेफिनेटली उसमें वो एमफिल जो था थोड़ा बच्चे की ज्ञान को, नॉलेज को रिफाइन डिफाइन करता था, उसके बाद PhD में बच्चा एनरोल होता था जी। लेकिन अभी क्योंकि ये हटा दिया, हाँ, तो ये गेटवे हट गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये एक बड़ा सकारात्मक कदम है जी। सरकार की सोच इसके विषय में बहुत सही है। देखिए, एमफिल का प्रैक्टिकल लाइफ में अब उपयोग खत्म हो चुका था। UGC किसी को भी लेक्चरर लगाने के लिए क्या पात्रता देती है, या तो व्यक्ति ने नेट या सेट की परीक्षा की हो या PhD पूर्ण की हो। एमफिल का रोल कहीं नहीं बचा था, तो वो एक ऑब्सोलीट पाठ्यक्रम था। अच्छा, जिसको हटा दिया, इससे विद्यार्थी का समय और पैसा दोनों बचेगा और वो सीधा डायरेक्ट PG के बाद अपना PhD में प्रवेश ले लेगा। तो ये एक अच्छा सकारात्मक कदम है। जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि आपके जो टीचर्स हैं जी, तो उनको आपने कैसे इतने जल्दी इतने कम समय में आपने उन लोगों को ट्रेनिंग किया कि वो सब ऑनलाइन, क्योंकि सब तो नो हाउ करना था टेक्नोलॉजी से जी, तो वो कैसे आपने स्पेशल सेशंस के थ्रू किया, किस तरह से उनको मोटिवेट किया, और इतने सारे इतने बड़े स्टाफ को कैसे आपने इतने जल्दी ट्रेन किया ताकि वो सारे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे सके? देखिए, कोरोना के जहाँ बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वहाँ पर रायपुर जैसे एक क्लास B सिटी के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मील का पत्थर साबित हुआ। अच्छा। कि जो टेक्नोलॉजी अभी केवल भारत के गिने चुने बड़े शहरों में प्रयोग होती थी, वो टेक्नोलॉजी तुरंत छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में पहुंच गई। हाँ, शुरू के कुछ दिनों में कठिनाई आई, सभी विद्यार्थी सभी शिक्षक टेक्नोलॉजी के प्रति इतने समर्पित नहीं थे, इतना ज्ञान नहीं रखते थे, लेकिन जैसे जैसे जो रुकावटें आईं उसके हल ढूंढे गए। अच्छा। हमने अपने टीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट की टीम से ट्रेनिंग दिलवाई। वेरी नाइस। हमने उनके मॉक सेशंस पहले करवाए, हैंड होल्डिंग की उनको, जहां दिक्कत आ रही थी उनको गाइड किया। हमारे IT विभाग के जो प्रोफेसर्स हैं उनका इसमें सराहनीय योगदान रहा, उन्होंने मॉक वीडियोस बना बना के डाले कि ऑनलाइन कक्षा कैसे ली जाए, ऑनलाइन कक्षा में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे शेयर किया जाए, गूगल पे क्विज कैसे बनाई जाए, गूगल फॉर्म में असाइनमेंट कैसे बनाया जाए, इसके बारे में सेशंस भी लिए और वीडियो बना बना करके हमने डाले। अच्छा। सभी विद्यार्थियों को आजकल व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर हो गया है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए। अच्छा। ग्रुप्स में क्लासरूम के लिंक देना शुरू किया उनको, कई बार लिंक को सही से इस्तेमाल करना यूज करना नहीं आता था, टेलीफोन पे सपोर्ट दिया। आज भी हमारे यहाँ एक हेल्प डेस्क चलता है। अच्छा। जिसमें विद्यार्थी सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक 12 घंटे प्रतिदिन कॉल करके अपना कोई भी टेक्निकल इशू है उसको सॉल्व करा सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन, वाह।
तो इन सब चीज़ों से प्रोएक्टिव तरीके से हम लोगों ने विद्यार्थियों की और शिक्षकों की मदद की और उन्होंने फिर इस टेक्नोलॉजी से खुद को आत्मसात किया और ये टेक्नोलॉजी आज बहुत अच्छे से सुचारू रूप से काम कर रही है। तो दिस वाज लाइक ए ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज। डॉक्टर साहब, मैं अब ये जानना चाहूँगा कि बहुत कम हरफा हुआ कि यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ छत्तीसगढ़ में आई जी, और आपको 7 साल ही हुआ है जी, लेकिन 7 साल में आपने काफ़ी बड़ा नाम कर लिया है। धन्यवाद। और बड़ा क्रेडिट ले लिया आपने और लोगों का ट्रस्ट ले लिया है जी। मैं जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के जो इनके पीछे जो इसका विजन, इसका मिशन स्टेटमेंट विजन और इसके विजनरीज कौन है और क्यों इस फील्ड में इन्होंने जाना चाहा और क्या नया करना चाहा। सर देखिए, हमारे विश्वविद्यालय का जो एक्ट है, जो विधानसभा से हमें अनुमति मिली विश्वविद्यालय स्थापित करने की, वो 2011 में मिली। अच्छा। और हमें 2013 के शैक्षणिक सत्र से यहाँ आकर के छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की सेवा करने का मौका मिला। जो 11 से 13 का समय था उसमें हमने अपना सिलेबस बनाया, अपने कोर्सेज अप्रूव कराए और 13 से विधिवत इस विश्वविद्यालय की हमने स्थापना करके और कक्षाएं आरंभ की। पिछले 7 साल का जो सफ़र है वो बहुत ही रोचक रहा। अच्छा। और चैलेंजिंग भी रहा। कई तरह के चैलेंज आए लेकिन हमारे विद्यार्थियों और हमारे शिक्षकों के जॉइंट एफर्ट से। अच्छा। उनके मेहनत, सूझबूझ और उनके एक परिवार भाव की तरह काम करने की जो लगन और जो दिशा यहाँ पर रही, उसकी वजह से आज ये विश्वविद्यालय न केवल छत्तीसगढ़, पूरे मध्य भारत, पूरे भारत, यहाँ तक कि विदेश में भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। आज हमारे पास 20 से अधिक विदेशी देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें भारत के पड़ोसी देश भी हैं, जैसे नेपाल है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, और सुदूर साउथ कोरिया के विद्यार्थी, अफ्रीका में अंगोला के, लाइबेरिया के, केन्या के, युगांडा के, नाइजीरिया के, तंजानिया के, अलग अलग देशों के, 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। अफ्रीकन देश के विद्यार्थी अक्सर भारत आते हैं जी। लेकिन साउथ कोरिया जो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड देश है, उसके विद्यार्थी भी हमारे विश्वविद्यालय को चुनकर पढ़ाई के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ से यहाँ के बच्चे बैंगलोर जा रहे, बाहर जा रहे जी, लेकिन आपने तो ठीक एकदम डिफरेंट कहानी बता दी कि 20 देश के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव की बात है, भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है। नहीं, और हमारे लिए भी ये एक बहुत सेटिस्फेक्शन का मुद्दा है कि हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे पढ़ाने के तरीके को न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश विदेश के विद्यार्थियों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है और इसकी प्रशंसा की जा रही है और इस कारण से प्रेरणा लेकर के दूर दूर के विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये जो जो आपके फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जी, जनरली ये किस तरह के प्रोग्राम आपके लिए ऑप्ट करते हैं? सर, सबसे ज़्यादा इनकी रुचि रहती है मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम। अच्छा, में क्योंकि भारत के जो प्रोडक्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज विश्व की ग्लोबल कंपनियों के टॉप पोजीशंस पे पहुंचे हैं। चाहे हम अमेरिकन कंपनियों की बात करें, यूरोपियन कंपनीज की बात करें, जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, उन सब में भारतीय व्यक्ति आज शीर्ष पदों पर कार्य कर रहे हैं। आप गूगल को ले लीजिए, सुंदर पिचाई हमारे भारतीय हैं, हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया, जहाँ आप देखें आपको पेप्सी की सीईओ इंदिरा नुई, सब भारतीय हैं। तो भारतीय विद्यार्थियों की इस अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए इन देशों में भी एक होड़ है कि हम भी भारत जाएं, वहाँ की शिक्षा पद्धति से, शिक्षा प्रणाली से लाभान्वित हों, अपने आप उन गुणों को, उन स्किल्स को हम अपने अंदर डेवलप करें ताकि हम भी ग्लोबल लेवल पर अच्छा काम कर सकें। अच्छा, मैं कुछ जगह कुछ में बात कर रहा था तो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा चैलेंज था कि जैसे आप नई नीति में फॉरेन यूनिवर्सिटी को आप इनवाइट कर रहे हैं इंडिया जी, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी आएगी तो एक लोगों को ये भी डर था कि इससे हम किस तरह कॉम्पीट कर पाएंगे, मगर आपने तो पहले ही जीत के दिखा दी। नहीं, तो मतलब देखिए, हमारा मानना ये है कि कोई भी नया प्लेयर अगर मार्केट में आता है उससे नया बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आप ये देखिए, अमेजोन जब भारत में आया तो उसने इतनी अच्छी सर्विस लोगों को देना शुरू किया, समय पे माल सप्लाई करना, कम कीमत पर सप्लाई करना,
कि उसकी देखा देखी आज बिग बाजार भी ऑनलाइन उपलब्ध है, रिलायंस का जियो मार्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध है, पेटीएम का पेटीएम मॉल भी ऑनलाइन उपलब्ध है। तो ये जो एक नया द्वार अमेज़न ने खोला, उसकी देखा देखी कितने बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए और कितना अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर वाजपेयी साहब, आप बहुत पॉजिटिव हैं जी और बहुत विजनरी हैं आप, क्योंकि इसको कुछ लोगों ने ऐसा भी लिया था कि कंपटीशन कैसे कर पाएंगे, मगर जैसे आपने बताया कि 20 देश के लोग ऑलरेडी आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो आपने तो पहले से इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना दी है इसको आपने। धन्यवाद जी, बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, एक जो बड़ी बात है, इंडस्ट्री तो है, कैंपस बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुक्स है, ऑलवेज सी पेरेंट डोंट सी द बिल्डिंग, सी व्हाट इज बिल्डिंग हियर इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अब वो तो खाली टीचर्स करेंगे, तो कितने क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर्स आपके पास हैं, और उससे बड़ी बात रिटेंशन ऑफ द टीचर्स एक बड़ा मुद्दा है, आप कैसे रिटेन कर पाए वो हमें बताइए। देखिए सर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हम लोग इसको केवल एक कार्यालय की तरह से संचालित नहीं कर रहे, ये हमारा परिवार है। जो भी सदस्य हमारे इस परिवार से जुड़ता है, चाहे वो शिक्षक की भूमिका में जुड़े या वह विद्यार्थी की भूमिका में जुड़े, वो हमारे इस एक्सटेंडेड फैमिली का एक पार्ट बन जाता है। हम लोग टीम स्पिरिट, कॉमरेडशिप बढ़ाने के लिए सभी टीचर्स का बर्थडे कैंपस में सेलिब्रेट करते हैं, उनके घर के सुख दुख के हर कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, और समय समय पर बहुत सारी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज विश्वविद्यालय के अंदर होती रहती हैं, जैसे मेडिटेशन के कैंप, बच्चों के साथ उनके परिवार वालों को यहाँ बुलाना, जितने भी राष्ट्रीय उत्सव हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, सभी में सभी शिक्षकों का परिवार भी आमंत्रित रहता है, ताकि उनको भी इस बात के प्रति फख्र महसूस हो कि हमारे माता पिता एक ऐसे कार्यालय में कार्य करते हैं जहाँ परिवार स्पिरिट, ब्रदरहुड, फैमिली स्पिरिट एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ मैटर करती है। और इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है कि हमारे यहाँ अभी तक एट्रिशन की स्टाफ के छोड़ के जाने की कोई समस्या नहीं है। अच्छा। बजाय इसके कि हाँ केवल किसी महिला का विवाह हुआ, वो शिफ्ट हो गए, बॉम्बे चले गए, इस प्रकार से जो मजबूरन लोगों को जॉब स्विच करना पड़ता है, उसके अलावा यहाँ का वर्क कल्चर बहुत स्मूथ और बहुत ही लॉन्ग एसोसिएशन हमारा सभी के साथ बना रहता है। विद्यार्थी भी अपने आप को यहाँ पे परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउडली लेकर के आते हैं कि आइए हमारा कॉलेज देखिए, हमारे सर से मिलिए, मैम से मिलिए, और हमारी यूनिवर्सिटी इकलौता संस्थान है जो इतने बड़े बच्चों की भी पेरेंट टीचर मीटिंग करती है। अच्छा, पीटीएम होता है। पीटीएम होता है। जब हमने पहली बार ये यहाँ पे अनाउंस किया पीटीएम होगा, तो विद्यार्थी थोड़ा सकते में आ गए, सर कॉलेज में पीटीएम थोड़ी होता है। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप बुलाओ। लेकिन जब उनके पेरेंट्स आए, उन्होंने हमसे इंटरेक्ट किया, देखा बच्चा कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे खेलता है, तो फिर एक टीम स्पिरिट, एक फैमिली स्पिरिट बनना शुरू हुआ। तो आपने देखा कि पेरेंट्स टीचर पीटीएम करते हैं, जबकि बाकी जगह तो पेरेंट्स खाली पेटीएम की तरह काम करते हैं। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी यहाँ आते हैं, जिससे कि वो जान पाएंगे अपने बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में, उनके बच्चों के कल्चर लर्निंग के बारे में, विजडम के बारे में, एनलाइटनमेंट के बारे में। सर, अब जो सवाल इंपॉर्टेंट है कि ये कोरोना अफेक्ट हो गया है, तो बहुत लोग इकोनॉमी टॉर्चर हो गई है। हाँ जी। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बहुत छोटे छोटे काम थे, तो उनके माँ बाप को अब फीस देने में तकलीफ आएगी, किस तरह का प्रावधान, किस तरह की कंसेशंस सर हमारे विश्वविद्यालय में कभी भी पढ़ाई के लिए पैसा रुकावट नहीं बनने दिया गया। हमारे यहाँ तरह तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, और हमें भारत सरकार द्वारा इस बात के लिए सम्मानित भी किया गया है कि हम लोग गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए हम लोग 25-50% स्कॉलरशिप देते हैं। एवरी गर्ल, हर कन्या को, हर विद्यार्थी जो फीमेल है, सभी को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। जितने डिफेंस फोर्सेस में काम करते हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के व्यक्ति, या पुलिस के, सेंट्रल रिजर्व सर्विसेज जो हैं हमारी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ITBP, CISF, उनके बच्चों के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं। और जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या है, कुछ ऐसे पुलिस के जवान जिनके
जो शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों के लिए हम लोग अपने ओर से निशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान करते हैं। फिर मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं, और यदि किसी विद्यार्थी के पिता का देहांत हो जाता है पढ़ाई के दौरान तो उसको भी हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। अच्छा। इसमें हमारी मैनेजमेंट और हमारे टीचर्स भी अपने पॉकेट से भी विद्यार्थियों को कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि किसी की पढ़ाई ऐसे छूटे ना। अच्छा। नई शिक्षा नीति में जो जो मॉनिटरिंग की बात हुई है जी, तो सिंगल रेगुलेटरी बॉडी की बात हो रही है जी, तो क्या आप सहमत हैं इससे? क्या इतने विभिन्न तरह के अलग अलग कोर्सेज के नेचर ऑफ कोर्स अलग अलग हैं, क्या एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी सबको मैनेज कर पाएगी? क्या लगता है? देखिए, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी के साथ साथ वहाँ मेटा यूनिवर्सिटी की बात भी हो रही है। ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे बड़े संस्थान जहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो, जहाँ क्रेडिट ट्रांसफर की बात हो रही है, जहाँ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात हो रही है। अब मैं अपने निजी अनुभव से आपको बताता हूँ, मुझे अमेरिका जाकर के कुछ समय सेवा करने का मौका मिला। वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ ग्रेजुएशन 4 साल का है, जिसमें पहला साल फ्रेशमैन ईयर उसको बोलते हैं, उसमें विद्यार्थी हर प्रकार के कोर्स का छोटा छोटा क्रेडिट्स का एक पाठ्यक्रम करता है। मान लीजिए किसी की रुचि इंजीनियर बनने में है, लेकिन उसको योग भी सीखना है, उसको म्यूजिक सीखना है, उसको चाइनीज भाषा सीखनी है, तो वो इंजीनियरिंग के 75% सब्जेक्ट पढ़ेगा, 25% वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट लेगा। तो यही चीज़ यहाँ हो रही है। अच्छा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भारत में आ चुका है मेटा यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट में, और सिंगल रेगुलेटर के कंसेप्ट में यही चीज़ है। अभी जैसे फार्मेसी काउंसिल है, वो कहता है कि फार्मेसी के विद्यार्थियों की लाइब्रेरी भी अलग होनी चाहिए, तो वो विद्यार्थी केवल फार्मा की किताब तक सीमित क्यों रहें? यदि वो रविंद्रनाथ टैगोर का लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ना चाहते हैं, एनहांस होगा। इसलिए ये जो मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है और जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का सिंगल रेगुलेटर का कंसेप्ट है, ये सब प्रोग्रेसिव थिंकिंग और आने वाले समय में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव भारत की शिक्षा पद्धति में मिलेगा। इससे इनका ओवरऑल बहुत बेनिफिट है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा सर, यूनिवर्सिटी जो है वो एक्चुअल में क्रिएशन ऑफ नॉलेज की जगह होती है। बिल्कुल सही। लेकिन हम जब से देखते आ रहे हैं कि ये एकदम स्कूल की तरह ये पढ़ाई हो रही है, और इनोवेशन तो छोड़िए, रिनोवेशन भी नहीं होता है कुछ। नहीं, नहीं, तो कलिंगा यूनिवर्सिटी में नहीं, यहां, क्रिएशन ऑफ नॉलेज कैसा है, इनोवेटिव कैसा है, इनोवेशन कैसा है? क्योंकि अगर यही यूनिवर्सिटी का फर्ज होता है कि वो एक नया नॉलेज लाए, लोगों को नया दिशा दे और सोसाइटी को एक नया गाइडलाइन दे, सर, तो ये आप कहां तक कामयाब? हमारे विश्वविद्यालय में एक रिसर्च पॉलिसी है। अच्छा। बकायदा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पूरी सुविधाएं दी गई हैं कि विद्यार्थी को रिसर्च करने से क्या क्या सपोर्ट मिलेगा। हमने लेटेस्ट मशीनरी, ऑपरेटर्स, जर्नल्स, टेक्निकल नॉलेज उनके लिए उपलब्ध कराई है। अगर किसी बच्चे का रिसर्च पेपर छपवाने के लिए किसी जर्नल में फीस देनी है, उसमें हम सपोर्ट करते हैं। अगर हमारा कोई फैकल्टी मेंबर किसी कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता है, हम उसको फंडिंग सपोर्ट देते हैं। अगर वो अपनी पुस्तक छपवाना चाहता है, उसके लिए हम पब्लिशिंग सपोर्ट देते हैं। अच्छा। हमारे बहुत सारे टीचर्स की बुक्स छप चुकी हैं। वेरी नाइस। अभी तक कम से कम 120 पब्लिकेशन हमारे फैकल्टी मेंबर्स के मार्केट में आ चुके हैं। अच्छा। और इसी प्रकार से हमारे विद्यार्थियों के भी रिसर्च पेपर्स, और अभी हमने कुछ नए इनोवेशंस किए हैं, जैसे हैंड सैनिटाइजर मार्केट में 500 रुपए लीटर बिक रहा था, हमारे टीचर्स ने बहुत कम कीमत पर उसी इफेक्टिवनेस का हैंड सैनिटाइजर खुद बनाया। तो ये इनोवेशन है, ये इनोवेशन है। कोविड गेट बनाया। अच्छा। और आने वाले समय में हम लोगों ने अपने टीचर्स से उनको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं। हमने बैटरी से चलने वाली गाड़ी बनाई, सोलर गाड़ी का निर्माण का काम चल रहा है, रोबोटिक्स पे बच्चों को काम करने को दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बच्चे काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो जो लेटेस्ट चीज़ें विश्व में कहीं भी आ रही हैं, हम लोग उन्हें यहाँ ला करके बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। अब मैं जानना चाहूँगा कि अपने हमारे इस टेलीविजन के चैनल से जितने भी लोग आपको देख रहे होंगे पूरे भारत में, तो आप उनको, अपने बच्चों के पेरेंट्स को, अपने बच्चों को और आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, कोरोना एक बहुत बड़ी विश्व स्तर की एक महामारी है जिससे हम सब जूझ रहे हैं।
इस समय हम सबका फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के काम आएं, एक दूसरे की जहां संभव हो मदद कर सकें। पड़ोस में कोई बीमार है, कोई घर में अस्वस्थ है, तो हम उसे हीन दृष्टि से ना देखें, हम उसको जैसा संभव हो उसको सपोर्ट करें। लॉकडाउन के दौरान भी, जब पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे विश्वविद्यालय में हमने अपने टीचर्स के सहयोग से, उनके सैलरी से कुछ अंशदान लेकर के हमने कुछ राहत के कार्यक्रम चलाए। गरीब लोगों के लिए राशन मुहैया करवाना, बीमार लोगों के लिए ट्रीटमेंट करवाना। तो ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसमें हम सबको एक दूसरे का सहयोग करके ही आगे बढ़ना है। सर, आपका हमारे इस चैनल को, इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।